कारोबार नहीं है, यात्री परेशान है, रास्ता उनको मिल नहीं रहा, सारे रास्ते छोड़ दिए, कहाँ से जाएं, कहाँ ना जाएं, रात रात यात्री जंगलों में तक पहुंच जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा उनको कहाँ जाना है। इन दोनों बद्रीनाथ धाम में पंडा समाज और व्यापार सभा के व्यापारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के तहत अपनी मांगों को लेकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजाना धरना प्रदर्शन सुबह से शाम तक किया जाता है। वहीं शाम को एक विशाल रैली निकालने के बाद इस धरने को समाप्त किया जाता है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में पंडा समाज और व्यापार सभा के लोगों का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं उनसे सभी लोग नाराज चल रहे हैं, और इनका कहना है कि मास्टर प्लान के कार्य बद्रीनाथ धाम में नियोजित तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। जगह जगह खुदाई हो रही है जिसकी वजह से बद्रीपुरी को खतरा बना हुआ है। ठेकेदार भी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, कार्य में कोई गुणवत्ता भी नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बद्री विशाल के अस्तित्व को भी खतरा पहुंच रहा है। वहीं पंडा समाज के इस आंदोलन को व्यापारियों का समर्थन मिला, वहीं आसपास के ग्रामीण भी समर्थन दे रहे हैं। वहीं जानकारी मिल रही है कि पंडा समाज आंदोलन और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर सकता है। शासन तो हमारी बिल्कुल अंधी और मौन हो गई है। देखो इन्होंने इतना तोड़फोड़ बद्रीनाथ में मचा दिया है, इन्होंने न इसके ढंग से सर्वे कराई, न इसके जमीन की जांच कराई कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या। यहाँ तो भाई अलकनंदा के पल्लीपार भी, नर पर्वत में भी, और अलकनंदा के इधर नारायण पर्वत जमीन के नीचे पूरा पानी का स्रोत है, सारे पानी के स्रोत है जिसको ये कंट्रोल कर ले पाएंगे। मुझे तो लग नहीं रहा है कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि सारा पानी पानी है नीचे से। तो अगर इनको करना ही था तो भाई साइंटिस्टों को बुलाते, इसके पूरी नाप कराते, धीरे धीरे तोड़वाते, 50 फीट 100 फीट तोड़ के उसको बनाते, फिर तोड़ते, फिर बनाते। इन्होंने तो इसको ऐसा कर दिया जैसे हथियाता कोई चीज कि यार ये सब मेरी हो जाए तो ये हथियाने वाला काम हुआ वो बर्बादी होगी, बर्बादी हमारी, न व्यापार है, न रोजगार है, न कुछ है, अब क्या करेंगे। तो सरकार ने हमको बिल्कुल जो है भिगमुंगा बना दिया, समझ कोई कारोबारी हमारे पास है नहीं, कारोबार नहीं है, यात्री परेशान है, रास्ता उनको मिल नहीं रहा, सारे रास्ते छोड़ दिए, कहाँ से जाएं, कहाँ ना जाएं, रात रात यात्री जंगलों में तक पहुंच जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा उनको कहाँ जाना है। और ये सब असुविधा सरकार ने कर दी है। तो ये थी चमोली से हमारे सहयोगी कमल नैन की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।